अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू आर ऑल वेल। अभी हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने, उसके बाद हम लोग जाएंगे इस गाड़ी की ब्रेकिंग सर्विस के लिए। नहा धो लिया यार, धूप इतनी ज़्यादा है, आंखें भी नहीं खुल रही और अभी सो के उठूँ उसकी वजह से और नहीं खुल रही। फाइनली आज जुमा पढ़ के आ गया हूँ मैं, और अंदर जाके भी नाश्ता करेंगे, उसके बाद इस बैड बॉय को लेके जाना है इसकी ब्रेक सर्विस के लिए। नाश्ता करते हैं, कपड़े चेंज करते हैं और चलते हैं, लेट्स गो। अपनी खुशी देके मैं तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं, मिला जो तू यहां मुझे। अब हम गाड़ी के ना लेदर पता करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कितने तक मिल जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम, विट्स के लेदर चाहिए। पुराना ले नहीं मैं। क्या हुआ? पुराना लेदर लेना नहीं है। कितने के? मैं रेट पता कर रहा हूँ ना पहले। 25 तक है। मुझे चाहिए अच्छे वाले, क्योंकि पहले लगाए हैं ना वो इतने नहीं चले। अच्छे वाले मिलेंगे, जापानी लेदर है। चले मैं पहले लेके आता हूँ ना, वो देखें फिर क्या सीन है उसका। ये पंचर हो गया। ब्रेक शू है ही नहीं, आप कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं। क्या नहीं है? ब्रेक शू खत्म है, लो निकला है। बदल दें यार, ये यूज़ हुए नहीं है इतने ज़्यादा, क्योंकि पता क्या, ये हैंड ब्रेक जब मैं पहले करवा के गया था ना, उसके ठीक हफ्ते बाद फिर वो लूज़ हो गई थी बिल्कुल। नहीं, ये टायर ड्रिफ्ट होते हैं, ये इतने बड़ा टायर लगा है। मैं इस पर रिस्क होता है, गाड़ी उलट जाती है। जो लो प्रोफाइल टायर होता है ना, उस पर सही होती है। दो तीन और दिन चलते ना, सारे ड्रम भी चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा, ये नहीं लानी है। जब ये साथ ले जाए सूखे ब्रेक शू दे दे। अभी हमें पता लग गया हमारे ब्रेक शू बिल्कुल ख़त्म है। तो ब्रेक शू लेते हैं यहाँ से। अच्छा, ये वाले पहले दें ना। ये कितने का है सेट? ये भी छोटा। चलिए, ये लोगों ने फाइनली धो दी है, मतलब सर्विस वगैरह कर दी है। अच्छा, अब ना वो लेने गए हैं, क्या कहते हैं उसे, इसके लेदर जो भी डलते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा था यूज़ नहीं हुए ज़्यादा, तो मुझे तो लगा ना यूज़ इसलिए नहीं हुए क्योंकि हैंड ब्रेक इसकी चलती ही नहीं थी, और वो यूज़ हो के उसका लोहा निकल आया कि अब दो चार दिन और चलती तो उसके ड्रम्स भी ख़राब हो जाने थे। हाँ, तो ये होते हैं ना इसकी ब्रेक, और ये हो गई हैं बिल्कुल ख़त्म। इसके ऊपर एक लेयर होती है एंड इट्स गॉन। ये जो पहले लगे हैं उससे अच्छे वाले हैं। आप अच्छा, मतलब जितनी आप ब्रेकिंग करो। अच्छा, और ऑटो गाड़ी ब्रेक
जल्दी खत्म होते हैं क्योंकि मैं क्लच नहीं होता ना। ये भी खत्म, गुड हो गया जी। ये भी लेके आऊं नाल करो ना, ड्राइवर मत ले। क्या हुआ उधर कुछ जीपाइल डिस्कनेक्ट। चलो जी गाइस, पहले वो 3500 के डल गए हैं, अब ये पता नहीं कितने के डलती हैं। मतलब यार ब्रेकें मेरी पूरी ख़त्म है, अल्लाह तवक्कल गाड़ी चल रही थी। ये भी मुझे सही वाले चाहिए, लेकिन रेट करें कुछ भाई। नहीं क्योंकि और हम कहीं डलते ही नहीं, हम आते इधर हैं और इधर मुझे पता है, मैंने अभी गाड़ी देख ली है। जब काम कराने आओ तो हाथों का हाल अब मिल जाए इधर से चीजें। यही बने वाले। अच्छा ये बिल्कुल ही खत्म है, वो देखे ना इसके ऊपर कितनी मोटी लेयर है, और उस वो तो ये कितने ये मुनासिब लो जी, ये भी मिल गए हैं। अब देखो चेक कराते हैं चलते भी हैं के या नहीं। मतलब ये भी ख़त्म, बिल्कुल टोटली ख़त्म। में रेट नहीं बताया अभी, मतलब है तो वो बराबर ही है उसके। डिस्क ब्रेक पैड एसएमएल 8 नंबर। ये देखो कितनी खत्म है, मतलब कि ये ऐसे होता है जो ब्रेक लगा लगा के ऐसे, ये पूरी ये इतनी मोटी और ये कुछ भी नहीं नीचे। बड़ा गर्म है। अच्छा एक टायर की लग गई है और यहाँ ये पिछले टायर की भी लग गई है, डम ब्रेक, ड्रम ब्रेक सॉरी, ये इसके अंदर। वापस ठीक हो गया, से कह रहा था मेरी हालत पे नहीं जाना क्योंकि इन कामों में ही हालत हो जाती है। ये भी पीछे करेंगे गाड़ी, अच्छा। देखो एक हाथ का कमाल गाड़ी पीछे। गुड हो गया जी, इसको अल्टीमेटम उधर पीछे ले मेरे जी। हम लोग गाड़ी की ब्रेक की सर्विस करा के वहां से निकल आए थे। और मानो ना मानो इन दोनों की दोस्ती देखो, अब
भी साथ बैठे हुए थे। अच्छा जी, फाइनली हम लोग जा रहे हैं अपनी कार वॉश कराने। नाश्ता वगैरह कर लिया था और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो चले आए पहले जाते हैं इस बैड बॉय को वॉशिंग कराने। इसकी ब्रेक पैड्स में चेंज करवाए हम। यार धूप ने ना कम होना नहीं है, और जुमे वाले दिन मज़े की बात पता क्या, जुमे वाले दिन ना धूप होती भी ज़्यादा है और लगती भी ज़्यादा है। ये देखो तुम, मतलब यार कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं ज़्यादा अच्छा जस्टिफाई हो पाता, मतलब जो आप आई से देख सकते हो ना वो कैमरे से नहीं देख सकते। यार वैसे एक बात है, गाड़ियों के काम में ना बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पड़ता है, हर जगह देख के रेट पता करके फिर, और उसके बाद टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। सीन बताऊँ, हमने गाड़ी आई गेस कोई 2 महीने बाद वॉश करवाई है, और वॉश करवाते ही क्या उसकी मतलब आए है शाइन चेक करें माशाल्लाह। अभी ये निकालेंगे ना बाहर तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, मतलब दिखाऊँगा, इट्स लुक माशाल्लाह। ये चेक करें इसकी, अब शाइन चेक करें, अब घर जाके पॉलिश कंपाउंड करूँगा ना और शाइन निकल आएगी। इसके व्हील कवर्स भी लगाने हैं, माशाल्लाह से इसकी शाइन चेक करें, मतलब ये इतनी गंदी हो मुझे लगती है कि बस ये मतलब अभी तो आ नहीं रही। ये देखें, ये मतलब इसके ऊपर स्वेल मार्क्स भी बहुत कम है, वो जो गोल गोल नहीं आ जाते गाड़ियों के ऊपर वो। यार इसके रिम में लगा लूँ ना कसम से गाड़ी बड़ी मतलब पूरी हो जाएगी माशाल्लाह। ये थंबनेल के लिए ले रहा हूँ मैं, बस कि ये गुड है। गाड़ी में वॉश करवाया था, मैं आप लोगों को लुक दिखाता हूँ। ये देखें, अभी ना थोड़ी सी आपको मैट फिनिश नज़र आ रही होगी उसके ऊपर, क्यों, बिकॉज़ कि मैंने इसके ऊपर पॉलिश फेरी है। ये देखें ये पॉलिश, तो बाकी इसके टायरों के ऊपर ये थोड़ी पॉलिश फेड़ी है, अभी उतर जाएगी सूख के ना। बाकी गाड़ी चेक करिए, कपड़े लाए हैं उसे मैं साफ़ करनी है गाड़ी माशाल्लाह। मतलब रिम शिम ना भी डालो ना, ये ब्लैक रिम भी बड़े तबाही लग रहे हैं इसके ऊपर। मुझे बताएं कमेंट्स में, बताएं ये सही लग रहे हैं कि चेंज करूँ। वैसे चेंज बनता तो है, इतनी मैंने गाड़ी मॉडिफाई की है, पर ये देखें माशाल्लाह। और मज़े की बात बताऊँ, मुझे ना काफ़ी लोगों ने कहा मुझे गाड़ी भेज दो, गाड़ी भेज दो, 21 ले लो, 22 ले लो, पर यार ये गाड़ी मैं नहीं भेज सकता। इसके पीछे रीज़न है, इसको मैंने थोड़ा बहुत भी मॉडिफाई किया ना, ये देखे फ्रंट से, मतलब इट्स यार थोड़ी बहुत में भी ये मुझे मज़ा कराती है। किट्स वगैरह लगानी है, बाबा वो लगाने देते, कहते हैं कि गाड़ी नीचे लगती है। ये देखें